कि आपकी गर्लफ्रेंड भी आपकी कंट्रोल में नहीं रहती, आपकी बात नहीं सुनती, आपका कहना नहीं मानती एंड यही चीज कर रही है आपको परेशान, तो बने रहिए मेरे साथ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे अपनी गर्लफ्रेंड को आप कंट्रोल कर सकते हो, सही तरीका क्या है अपनी गर्लफ्रेंड को कंट्रोल करने का। तो चलिए देख इस बात की, शुरू करते हैं इस वीडियो। देखिए मैं देख लो फैमिली, यू तो मैं आपको बहुत बार समझा चुकी हूँ कि रिश्ते में कभी किसी को कंट्रोल मत करो। जब जब आप अपने पार्टनर को कंट्रोल करेंगे तब तब वो आपसे दूर जाएगा, आपकी कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे रेत को जितनी टाइट मुट्ठी में आप दबाने की कोशिश करोगे उतनी ज्यादा वो फिसलेगी, जितना फ्री छोड़ दोगे उतना आराम से वो आपके हाथ पर टिकी रहेगी। बट फिर भी कुछ चीजें तो हम सभी चाहते हैं ना कि हमारा पार्टनर सुने, हमारी बात माने, थोड़ा सा हमारे कहने पे चले। इसमें कुछ बुराई तो नहीं है, ये बिल्कुल बुराई नहीं है, बट शर्त ये है कि आप कंट्रोल इस तरीके से करो जो कंट्रोल ना लगे। देखो मैं थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ उस चीज को, है ना। आप क्या करते हैं, आप उस पर धौस जमाते हैं जब उसको कंट्रोल करना चाहते हैं, उस चीज के लिए जो आप चाहते हैं वो ना करें। फॉर एग्जाम्पल मान लो उसको अपनी फ्रेंड के यहाँ पर जाना है एंड वो बोलती है कि यार पता है आज ना मेरी फ्रेंड ने मूवीज का प्लान बनाया तो हम जाएं, मैं जा रही हूँ। एंड आपका सडन निकल के आता है क्यों जा रही हूँ यार, मुझे नहीं पसंद, मैं दिखा दूंगा ना। दिक्कत क्या है, क्या तू मुझे प्यार नहीं करती? मैं तुम्हें प्यार नहीं करता, करता हूँ ना, तो तुम्हें उनके साथ क्यों जाना है, मेरे साथ क्यों नहीं जाना। आप एकदम उसके ऊपर हावी हो जाते हो, कंपेयर करना शुरू कर देते हो दोस्तों से अपने आप को, और फिर उसको इतना मजबूर कर देते हो कि वो रुक जाए एंड आपको लगता है यार मेरे मन की हो गई। एक बार तो मन की हो जाती है लेकिन इससे आपकी गर्लफ्रेंड नाराज हो जाती है एंड बार बार ऐसा बिहेव करने से गर्लफ्रेंड भाग जाती है छोड़ के। तो ऐसा नहीं करना है। अगर इस सिचुएशन में मान लो आप चाहते हो कि आपकी गर्लफ्रेंड वहां पर दोस्तों के साथ नहीं जाए, आपके साथ जाए, तो आपको एक ट्रिक आजमानी है। आपको उसको फोर्स नहीं करना, रोकना नहीं है, चिल्लाना नहीं है और वो अपना अधिकार तो बिल्कुल नहीं दिखाना। एक होता ना जाएगी देख ली अच्छा नहीं होगा, मुझे या दोस्तों में से किसी एक को चूज कर ले, ये एटीट्यूड तो कतई मत दिखा दे, वो अपने दोस्तों को ही चूज करेगी। गेटिंग? आपको क्या करना है, जो सिंपली जैसे ही आपको पता चलता है कि जा रही है तो आपको अरे वाह खुश हो जाओ, पहले तो उसकी खुशी में। जब आप अपने पार्टनर की खुशी में खुश होते हो ना, इससे पार्टनर बहुत अटैच्ड फील करता है। बी हैप्पी है, वेरी गुड, कब जा रहे हो, कितने बजे का शो है, कौन कौन जा रहा है, बहुत एक्साइटेड होकर पूछो, जितना एक्साइटेड वो है एंड हाँ चले जाओ। एंड उसके बाद खुश होने के बाद अरे यार पता है मेरा भी मन था मूवी देखने का, मैं कब से वेट कर रहा था, आई वॉज लाइक ये मूवी तुम्हारे साथ ही देखूंगा, मैंने तुम्हें बताया कि मैं सरप्राइज देने वाला था, मैं खुद सोच रहा था मैं एकदम टिकट बुक करके बताऊंगा, चलो यार कोई बात नहीं तुम जाओ कोई अभी यार मैं अकेले नहीं देखूंगा। वो आपसे कहेगी यार चलो ना तुम अकेले देख लो दोस्त साथ, जो सेकिन नहीं यार ये मेरा दिल था कि तुम्हारे साथ देखूं मूवी, मैं नहीं जाता, चलो कोई नहीं यार तुम एंजॉय करो, इट्स ओके कोई बात नहीं। अब आप क्या कर रहे हो, आप उसको फोर्स नहीं कर रहे हो, आप उसको ये बता रहे हो कि तेरी खुशी में मैं खुश हूं लेकिन सच में मैं अंदर से दुखी हूं। अब क्योंकि आप उसको उसके दोस्तों के साथ भेज रहे हो उसकी खुशी के लिए, तो वो अपने आप ही वो मूवी देखने नहीं जाएगी आपकी खुशी के लिए। आप उसके बारे में सोच रहे हो तो वो आपके बारे में सोचेगी एंड मोस्ट प्रोबेबली उसका जो एंड में जो आंसर होगा ना वो यही होगा कि यार हम लोग चलते हैं, मैं दोस्तों से बहाना लगा दूंगी। आप नहीं बोलोगे, वो खुद बहाना लगाएगी, खुद कैंसिल करेगी अपने प्लान। ये क्यों कर रही है, क्योंकि इसे आपका प्यार दिख रहा है, आपकी जोर जबरदस्ती आपका अधिकार नहीं दिख रहा। कभी भी किसी रिश्ते में ना अपना अधिकार मत दिखाना, जब जब अधिकार दिखाओगे तब तब वो रिश्ता खो जाएगा, जब जब प्यार दिखाओगे वो रिश्ता आपसे जुड़ जाएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। रिश्ता चाहे जो भी हो अधिकार के नाम पर नहीं चलता, प्यार के बेसिस पर चलता है एंड यही तरीका है अपने प्यार को कंट्रोल करने का। एंड इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर एक चीज पर ही आजमाओ, उसको बिल्कुल ही दुनिया से काट दो, हर वक्त यही काम करो, ये नहीं। कुछ ऐसी एक दो सिचुएशंस हो जाती हैं, एक दो ऐसे मोमेंट्स हो जाते हैं या एक दो ऐसे दिन होते हैं जहां पर आपको चाहिए कि आपका पार्टनर वो ना करे जो करना चाहता है, वो करे जो मेरी इच्छा है।
ऐसे में आपको ये ट्रिक आजमानी है, ऐसे में ये ट्रिक आपको अप्लाई करनी है। वहां पर इमोशनल इंटेलिजेंस आपकी काम आती है कि सामने वाले को इमोशन के साथ में खेल जाओ। इसको यूज करना नहीं बोलेंगे ना, ऐसा नहीं है कि आप गलत फायदा उठा रहे हो, नहीं, आप बस इमोशंस का बेनिफिट उठा के अपने मन के करवा रहे हो। इसमें आपकी गर्लफ्रेंड का कोई नुकसान नहीं है। तो ये काम आप कर सकते हो उसको इमोशनली ब्लैकमेल करके, बस ये दिखा के कि यार तू खुश हो जा, मैं दुखी हूं, कोई बात नहीं, तेरी खुशी में मेरी खुशी। जब जब आप इस तरीके से सिचुएशन को मोल्ड कर दोगे, तब तब आपका पार्टनर अपनी खुशी से आपकी खुशी में शामिल होगा, आपको उसे रोकना टोकना नहीं पड़ेगा। होप ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो गया हो, होप ये बारीक सी चीज मैं आपको समझा पाई हूँ, शब्दों का बर्डन कहीं ओवर ना हो गया हो आपके ऊपर। सो बस यही आपको करना है, मन की कर दो उसकी। मैं छोटा सा एग्जांपल एंड में देना चाहूंगी, इससे मैनी टाइम आपने देखा है ना, पेरेंट्स जब आपको अपने दोस्तों के साथ में जाना है एंड मम्मा आपको रोक दे, नहीं जाना, क्यों जाना है, बिगड़े हुए दोस्त है, इतने गंदे दोस्त हैं, ये है वो, जितना वो रोकती है उतना मन आपका बाहर भागता है, आप रुकते हो तो गुस्से में और बहुत नाराजगी में। बट वहीं पर अगर माँ बाप ये कह दे कि बेटा चले जा, हम सोचे थे कल तेरा स्पेशल डे है, तेरा बर्थडे है, साथ में बिताएंगे, हम तो बहुत कुछ प्लान कर रहे, बट ठीक है कोई बात नहीं बेटा, तू इंजॉय कर, हमारा तो कोई बात नहीं, हम तो बूढ़े हो चुके हैं, ऐसे में क्या होगा, आप एक तो जाओगे नहीं, कहीं चले भी गए मजबूरी में कि दोस्तों को बोल रखा है पार्टी के लिए, तो तुरंत घर पे आ जाओ कि मेरे माँ बाप का मन था मेरे साथ टाइम स्पेंड करने का। इसे कहते हैं इमोशनली ब्लैकमेल करना, जो हमारे पेरेंट्स हमें करते हैं, बेटा लव मैरिज कर लोगे तो हमारी नाक कट जाएगी, हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। होता है ना, उनको पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं है आपकी लव मैरिज, लेकिन फिर भी ऐवे ही आपको इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं। इस तरीके से आप किसी को कंट्रोल कर सकते हैं, अधिकार दिखाकर नहीं। होप नाउ आपको क्लियर हो गया हो, स्टिल अगर क्लियर नहीं हुआ तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं कोशिश करूंगी और बेहतर और सिंपल तरीके से इस बात को समझाने की। नाउ मुझे विदा दीजिए, बाय बाय, टेक केयर।